मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी सगे भाई हैं, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर वक्त के साथ साथ और भी बड़ा होता जा रहा है। आइए जानते हैं देश के सबसे अमीर घराने के इन दोनों भाइयों के कारोबारी जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नीड टू नो पर। 61 वर्षीय मुकेश अंबानी चीन के अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा को पछाड़कर एशिया के सबसे धनवान शख्स बन चुके हैं। मुकेश ने रिलायंस जियो लॉन्च कर देश में इंटरनेट की क्रांति ला दी, साथ ही उनकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भी 100 अरब डॉलर क्लब में शामिल हो गई। मुकेश का व्यक्तिगत संपत्ति की अगर बात करें तो उनकी खुद की संपत्ति 43.1 अरब डॉलर लगभग 31 खरब रुपए के पार कर गई है और दूसरी तरफ जैक मा की संपत्ति उनसे 5.2 अरब डॉलर करीब 4 खरब रुपए कम है। वही बात करें मुकेश के छोटे भाई अनिल की तो अनिल अंबानी इस समय काफी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। उनका कुछ कारोबार कानूनी और फंड की कमी की समस्या से जूझ रहा है। उनकी कंपनी के शेयर में भी काफी गिरावटें आई हैं। एक और जहां बड़े भाई की संपत्ति आसमान छू रही है, वहीं उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में 1.5 अरब डॉलर लगभग 110 अरब रुपए की कमी आई है। चलिए आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच की कहानी की शुरुआत हुई कहां से। ये कहानी शुरू होती है 16 साल पहले। दोनों भाइयों की संपत्ति का अंतर का आगाज 16 साल पहले हुआ था, जब उनके पिता धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ और मतभेद इसलिए भी ज्यादा बढ़े क्योंकि धीरू भाई अंबानी गुजरने से पहले कोई वसीयत लिख के नहीं गए थे। इसी वजह से उनके बीच मतभेद और बढ़ने लगे और इसका असर कारोबार पर भी पड़ने लगा था। मतभेदों को ज्यादा बढ़ता देख 2005 में कोकिला बैल को बीच में आना पड़ा और तब जाके दोनों के बीच का विवाद सुलझ पाया। अब बात करते हैं कि आखिरकार दोनों भाइयों के बीच क्या क्या बटा और कैसे बटा। बात करें मुकेश अंबानी की तो मुकेश के हिस्से ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस आए, वहीं अनिल के पास पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विस जैसा नया कारोबार आया। साथ ही टेलीकॉम बिजनेस पर भी अनिल को ही कब्जा मिला। इसी बीच दोनों भाइयों की किस्मत ने भी बड़ा खेल खेला। मुकेश ने ग्राहकों को बेहद कम कीमत पर मोबाइल हैंडसेट और सिम कनेक्शन साथ साथ देकर देश में मोबाइल की क्रांति ला दी थी। वहीं उनको डर भी सता रहा था। 2005 में कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह मुकेश अंबानी के लिए चिंता की सबब थी क्योंकि उनकी रिफाइनरी कंपनियों का मार्जिन घटने का डर था। इसी बीच लोगों के बीच में मोबाइल बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। मोबाइल फोन की मार्केट में तेजी आने लगी थी, लेकिन पटवार के करार के मुताबिक मुकेश ऐसा कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे जिससे छोटे भाई अनिल के किसी बिजनेस को टक्कर मिले। हालांकि ये करार भी 2010 में खत्म हो गया। मुकेश ने तुरंत मोबाइल मार्केट में उतरने का फैसला किया और इसकी तैयारी में अगले 7 साल में उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए और नई कंपनी रिलायंस जियो हाई स्पीड 4G वाले नेटवर्क तैयार हो गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि मुकेश ने मोबाइल नेटवर्क पर बहुत बड़ा दाव खेला था। निवेशकों को पता था कि मुकेश अंबानी मौजूदा बिजनेस की आमदनी नई कंपनी में लगा रहे हैं। इसका असर हुआ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस के शेयर पिछले दशक की ज्यादातर अवधि में कमजोर ही रहे, लेकिन मुकेश की किस्मत यहाँ भी चमकी और लॉन्चिंग के 2 वर्ष से कुछ पहले ही 2016 में रिलायंस को 22,70,000 ग्राहक मिल गए। कंपनी मुनाफा कमाने लगी और इसका असर दूसरी कंपनी पर पड़ने लगा। कंपनियां बेहाल हो गई, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी बीच तब तक अनिल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अनिल को कुछ कंपनियों के कर्जे उतारने के लिए उन्हें संपत्तियां बेचनी शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि उनकी कंपनी के शेयर गिरने लगे। दरअसल अनिल की कंपनियां बैंकों के कर्जे के बोझ में दब चुकी थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कढ़ाई कर दी और जिन कंपनियों को बड़े पैमाने पर छूट मिली हुई थी वह अचानक जमीन सूंघने लगी। अनिल की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर में इस वर्ष 75% की सबसे बड़ी गिरावट आई। अनिल ने इसे 2015 में ही खरीदा था। उनकी दूसरी कंपनियां भी कठिनाइयां उसके दौर से गुजर रही थी। अनिल अंबानी की एक और डिफेंस कंपनी फ्रांस से किए गए करार राफेल के सौदे को लेकर भी विवाद में आ चुकी थी। वहीं मुंबई की पहली मेट्रो लाइन तैयार करने वाली उनकी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अगस्त महीने में बॉन्ड पेमेंट से चूक गए, जिसकी वजह से वो करार भी छूटता दिखाई देने लगा। मुनाफे में रही कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के शेयर भी इस वर्ष टूट गए। लेकिन अनिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़े भाई के कारोबार ने खड़ी। जियो के प्राइस वॉर में अनिल की कभी फ्लैगशिप कंपनी रही रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड धराशायी हो गई। इन्हीं सब दिक्कतों के चलते आरकॉम ने 1,78,000 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क 30 अरब रुपए में बेच दिया और
इसे किसी और ने नहीं बल्कि बड़े भाई मुकेश की कंपनी रिलायंस जियो ने खरीदा। अनिल मोबाइल फोन बिजनेस से पूरी तरह अलग होने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह दोनों भाइयों की कहानी जियो के हाथों आरकॉम की बिक्री तक रुकी है। आगे का अध्याय क्या होगा इसका इंतजार हम सबको है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।